बहुत दिनों बाद मैं मेरे क्रिएटिव वर्ल्ड में आ चुका हूँ, दिनों या फिर हफ्तों बाद। इसका रीजन ये था कि हमारा पपिया जो है, पहले इसकी स्पेलिंग पढ़ लो, इट इज PAPYA। हम लोग कमेंट्स में इसको पपाया, पापा, पपिता कुछ भी लिखते हो, इसको बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। तो इतने दिन यहाँ पर नहीं आया था क्योंकि पपिया अपने गाँव गया था और ये गधा घर का दरवाजा लॉक करके गया था, चाबी भी अपने साथ ही लेके गया और मैं घर के बाहर ही रह गया। तेरे को पता है कितने हफ्ते मैंने उस घर में गुजारे, लॉक किया तो किया, चाबी तो मेरे को देते जाता ना क्या। हाँ, बहुत गलतियां करता है ये, दिमाग में भूसा नहीं पपीता भरा हुआ है। नया मजाक कर रहा था, चल गले मिलते हैं, नहीं तो अगर नाराज हो गए तो मेरे को खाना देना मन कर देगा वो। तो यस, बहुत दिनों बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। और फाफड़े ये कैसा है? फाफड़ा तो मजे में ही रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। और इन दोनों को देखो। वो बाबूजी का डायलॉग है ना, ये लोग ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक साल से ना रहे लोग, एक साल से शर्म आता क्या कुछ, नहा ना क्या पूरा सफेद हो गया। मैंने एक बार इनको निकला भी था लेकिन फिर से जाके डुबकी मार दिया। घूमर घूमर डांस चालू है उधर। पेट्स भी बहुत भूखे रह गए थे, कोई खाना खिलाने वाला नहीं था ना। वो पपिया आप लोगों से एक चीज कहना चाहता है। पपिया बोल, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। पपिया बोल रहे कि हम लोग कुछ ही हफ्ते में 1 मिलियन पहुंच जाएंगे। इसलिए गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1 मिलियन पहुंचा दो, दिखा दो अपना दम। अब पप्पिया ने बोला तो आपको करना ही पड़ेगा। और पप्पिया ने गांव में जाके थोड़ी दाढ़ी भी उगा ली है, मैं भी उगा रहा हूँ। देखो टर्टलों के लिए एक नया वर्ल्ड बना था, सब बड़े हो चुके हैं। हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू ऑल। और चलिए देखते हैं पोस्ट बॉक्स में क्या आया हुआ है। कुछ तो मैसेज आया है, टाइनी विलेज एग्जीबिशन पप्पिया के गाँव में। पप्पिया अपने गाँव में क्या करके आया, रुको जरा पूछने दो। मेरे गाँव में कुछ एग्जीबिशन चल रहा है क्या? तू मेरे को नहीं बुलाया, अकेला अकेला देख के आया? अच्छा ये मैसेज तूने छोड़ा है, ओके 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 गॉट इट। तो हमें अभी ये विलेज एग्जीबिशन देखने जाना है, चले निकलते हैं। और क्या, किसकी राह देख रहा हूँ मैं। चल फाफड़े घास खा ले, अपन निकलते हैं। गाइस प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ये। और इन भाई साहब को तो बातें नहीं करनी है, अपना आतू भीड़े एटीएम में से कैश ले लू क्या थोड़ा? लेट्स गो फाफड़े। फाफड़े बस करना, कितना खाना खाएगा, झाड़ा हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा। लेट्स गो टू पपियाज विलेज। वैसे मैं क्रिएटिव में हूँ, मैं उड़ के जा सकता हूँ, लेकिन पिछले वीडियो वाला डायलॉग फिर से मारता हूँ। वैसे तो नोबिता भी एनी वे डोर से स्कूल जा सकता है, फिर भी रोज लेट ही होता है ना। ओके ये क्या हो रहा है, शेडर्स में कुछ तो गड़बड़ हो गई है भैया, लगता है हमें शेडर्स बंद करने पड़ेंगे। नाइस, अभी बराबर दिख रहा है। हमारे थिएटर के पास आ चुका है, देखते हैं कौन सी मूवी लगी है। अंकल कोई नई मूवी आई है क्या? क्या राधे लगी है? सेलमोन भाई के राधे? अरे भाई भाई भाई, नहीं भाई नहीं देखना है, रहने दो। उससे अच्छा तारक मेहता लगा दिया होता तो देख लेता मैं। तेरे में इतना करेज कैसे आता है वो मूवी देखने का? इसका टॉप फ्लोर सच में खाली है लगता है। एक मिनट, मेरा फाफड़ा किधर गया भाई? मेरा फाफड़ा गायब हो गया, राधे मूवी का नाम सुनते ही वो गायब हो गया। एक मिनट, ये क्या है भाई? ये तो मिरर है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, विलेज माउंटेन टॉप। हाँ पप्पिया का विलेज उसी डायरेक्शन में है। क्या गजब मिरर है ये लगता है थिएटर वालों ने नया कुछ लिखा है। इसके पीछे देखो कुछ नहीं है, इसके आर पर देखो तो सेम है, लेकिन इसके सामने देखो तो मेरा दांत साफ है क्या? देख लेता हूँ मैं, तो पप्पिया के गाँव वाले मारेंगे मेरे को। क्या इज्जत रहेगी मेरे उनके सामने? पता नहीं नाके भी आया हूँ क्या मैं? बाल बिल ऑल सेट, कपड़े भी एकदम इस्त्री वाले। अंकल यू आर फायर्ड, राधे मूवी लगाएंगे अंकल। अच्छा खुद को आईने में देखा क्या कभी? देखना जाके, कुछ काम धंधा नहीं है। चलो अभी पप्पिया के विलेज में जाते हैं, डायरेक्शन कौन सा है वो साइड ना। अभी फाफड़ा तो भाग गया तो हमें उड़कर ही जाना पड़ेगा, फाफड़े को हम नेक्स्ट एपिसोड में ढूंढेंगे। 82 किलोमीटर्स लेटर। ओके हम पप्पिया के विलेज में आ चुके हैं और इधर आते ही लैग शुरू हो गया, पता नहीं पप्पिया क्या करके गए इधर। अंकल आप पप्पिया के कौन लगते हो? अरे कुछ तो लगते होंगे ना, कब से इधर उधर ही घूम रहा है ये। पप्पिया के गांव वाले बहुत ओपी है, पूरा ऊपर तक विलेज बनाया इन्होंने, लेकिन उस साइन बोर्ड पे लिखा होता माउंटेन टॉप पे जाना है। अंकल आपको माउंटेन टॉप पता है क्या? ओ भाई ये क्या है? ओके यही एग्जीबिशन है क्या? कितना छोटा है, कितना क्यूट लग रहा है यार, इसके अंदर भी कोई तो है क्या? अंकल ले जाने तेरी टूट गया, सॉरी यार मैं फिर से लगा देता हूँ। दैट्स कूल गाइस, हम टाइनी विलेज एग्जीबिशन में पहुंच चुके हैं। एग्जीबिशन छोटा है बट टाइनी इसलिए छोटा है, कितना क्यूट दिख रहा है यार। और मैं नजदीक जाऊँ तो दरवाजा खुलता भी है भाई, एकदम ओपी स्ट्रक्चर बनाए लाए लोग ने। इतनी सारी मियाओ की आवाज किधर से आ रही है? विलेजर भी इधर, ये किधर से? व्हाट द, अबे सुन तू उधर से कैसे आया? भाई पप्पिया के विलेजेस बहुत अतरंगी है, इधर इतना छोटा था अचानक से बड़ा हो गया ये। अगर ये बाहर आ सकता है तो मैं अंदर जा सकता हूँ। गाइस मैं भी छोटा हो गया, एक मिनट दिखाता हूँ। ये अपना वुडन लॉग है और ये अपना विलेजर है। विलेजर किधर, मैं किधर गया? बहुत गड़बड़ है इधर, क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस घर में जा भी सकता हूँ भाई, मैं छोटा बन के रह भी सकता हूँ और इनको लूट भी सकता हूँ। नहीं नहीं पप्पिया के रिश्तेदारों को
नहीं लूटना चाहिए, तो पपिया मारेगा मेरे को। अब क्या मैं इधर से उधर जा सकता हूँ? ये मेरे टाइनी वर्ल्ड की घास है और ये बड़े वर्ल्ड की घास है। अब मेरे को यहाँ से कोई निकालो यार। ओ निकल गया। अच्छा इसके अंदर जंप मारो तो छोटा बन जाता है सीधा घर में। अच्छा बिल्ली इधर से बोल रही है, ए बिल्ली चुप, ये बार बार टेबल में क्यों घुस रही है? लोग बोलेंगे दिस इज इलीगल क्योंकि मेरा चेहरा देखो, क्रीपर विद अ कैट। ये बिल्ली को मैं मच्छी खिलाता हूँ, ये ले बिल्ली खा, एक में ही पड़ गई। चल अभी इधर आ, अब बिल्ली को मैं बाहर भेजता हूँ। बिल्ली अभी मैं बाहर जाके देखता हूँ, बिल्ली गायब। ओ आगे आगे बिल्ली भी बाहर आ गई घर में। हम यहाँ पर लूट भी सकते। डायमंड रखा है भाई इसने। नहीं 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 लूटने का, पप्पा के रिश्तेदार है, इनसे लूटना मतलब दोस्त से गद्दारी करना। यहाँ पर भाई और बहनों और एक ब्लैक स्मिथ है, इसके घर के अंदर जाओ और बाहर निकलो। तो मैं इधर आ गया वुडन लॉक के पास, मैं वो घर से घुसा, मैं इधर से बाहर निकला। एक मिनट उधर भी कुछ तो है। यहाँ पर जाकर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इल्यूजन्स। एक मिनट भाई ये क्या है? ये इधर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर है लेकिन अंदर से घुसो तो कितना लंबा है ये? व्हाट द हेक डूड, लंबा छोटा। पपिया क्या कर रहा है आजकल? पपिया काला जादू तो नहीं कर रहा? 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। सच में गाइस मेरे को लग रहा है ना ये विलेजर्स काला जादू कर रहा है। देखो हाँ भी बोल रहा है। तो सच बता तू कुछ काला जादू कर रहा है क्या? इधर से सीख के लाए काला जादू विद्या, इतने सारी डुक्कर भी लेकर आए लोग, अब तो डुक्कर से काला जादू करवाता है। और ये दूसरा घर भी है भाईयो। ओके इतना छोटा है ये बट पीछे से इतना लंबा है। अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो कुछ नहीं खाली है, और इसके पीछे ही जाऊं मैं तो ये पूरा लंबा है। क्या चल रहा है ये ब्लैक मैजिक इल्यूजन है गाइस। देखो इनकी आंखें भी हरी हरी है। दया पकड़ो इनको, दया कुछ तो गड़बड़ है। तू नहीं बताएगा ना? रुक मैं पप्पा से जाके पूछता हूँ, पप्पा जरूर बताएगा। इधर नदी के बीच में से एक रवीन भी जाती है। वाओ रवीन, नदी रवीन, बहुत ओपी चीजें हो रही है इधर, बहुत ज्यादा। इधर के आयरन गोलम भी पानी में नहा रहे हैं। तूने आदत लगवाई ना मेरे गोलम्स को, या फिर मेरे गोलम्स ने इसको आदत लगवा दी? तेरा पगार कट, रेस्ट इन पीस ऑक्टोपस। ओ भाई ये देखो पानी के लेक के अंदर एक सीक्रेट रूम है, इधर पक्का कोई दरवाजा है, बोल रहा हूँ गाइस। और एक गोलम इसी की रक्षा कर रहा है। दया समझो दया, वो साइड पे हमें एक मिरर भी दिखा था याद है तुम लोग को? लगता है थिएटर वाले भी इनसे मिले हुए हैं। और मेरा पप्पिया भी गायब हो गया था बीच में से, याद है आपको? मतलब वो राधे मूवी के नाम से नहीं गायब हुआ था, वो काला जादू से गायब हुआ था। अरे ये तो विच की बिल्ली है ना, हेंस प्रूव्ड गाइस, ये लोग पक्का काला जादू कर रहे हैं। और इस विलेन में बिल्लियां कुछ ज्यादा नहीं है और मोस्ट ऑफ द बिल्ली काली है, समझ रहे हो दया? ये लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे दया, इनके मुंह में करेला डालो। माइनक्राफ्ट में कुछ करेला है क्या? करेला गाइस, अगर पप्पिया इधर से काला जादू सीख गया तो मेरे घर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। भागो भागो मेरे घर में भागो, यहीं से गायब होता मेरा फाफड़ा। कहीं वो इस मिरर के अंदर तो नहीं घुस गया? पप्पिया का कोई भरोसा नहीं, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है। चलो भाई फटाफट देखो यार, कुछ तो गड़बड़ नहीं। अबे लावा पूल में किधर से आ गया मैं? अरे भाई निकल, मैं उधर से घुसा था, मैं इधर कैसे आ गया? ये खोलो एंड सीधे लावा पूल में। ये क्या गड़बड़ है, मेरे घर के अंदर लावा पूल कौन डाल दिया? बट यहाँ पर आकर देखो तो कुछ नहीं अंदर। पप्पिया तूने क्या किया? मैं तेरे को छोड़ देगा, मैं तेरे को पनिश नहीं करेगा, बता। क्या कुछ नहीं बोल रहा है ये लौंडा, कुछ नहीं। इधर कुछ तो गड़बड़ किया क्या इसने? मेरा टॉयलेट देखता हूँ, टॉयलेट बराबर है ना? टॉयलेट इंपॉर्टेंट है भाई, टॉयलेट अच्छा होना तो स्वर्ग लगता है स्वर्ग। मेरे टॉयलेट के नीचे खजाना भी छुपा था मैंने। रुक पप्पिया कहीं है नहीं ना इधर, क्योंकि ये सीक्रेट खजाना है, पप्पिया को भी नहीं पता है। मेरा सीक्रेट खजाना ये रहा है, यहाँ पर छुपा। ए खाली है, अबे ये पप्पिया ने लूटा है। रुक पप्पिया मेरा खजाना दे दे, वरना पप्पिया प्लीज देना यार। तू नहीं देगा ना मेरे को? रुक अभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं भी काला जादू सीख के आऊंगा, रुक तू। नहीं गाइस हमारे बीच में झगड़ा नहीं है, इसने बस मेरा खजाना लूटा है, वो मेरे को दे नहीं रहा है। ये झगड़ा नहीं है, ये बस छोटी सी नोक झोंक है। ये भाइयों के बीच में झगड़ा तो होते रहता है ना, ऐसी चोरी भी बहुत होती है। गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता है, मेरे को भी काला जादू सीखने जाना है। उस सीखने के बाद मैं पप्पिया से मेरा ट्रेजर ले लूंगा। हम लोग नेक्स्ट 1-2 महीने में 1 मिलियन पहुंच जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हम फटाफट पहुंच जाए। तो मिलता अगले वीडियो में ऐसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।